हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिल्क फॉर से बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही बढ़िया मिठाई। तो सबसे पहले मैं इसमें एक बड़ा स्पून घी का डाल लेती हूँ। ये मैंने एक बड़ा चम्मच इसमें घी का ऐड कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे एक गिलास दूध और घी को और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसी में डालते जाएंगे हम मिल्क पाउडर थोड़ा थोड़ा, ताकि ये इसमें लम्स ना हो। तो देखिए, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको मिल्क पाउडर डालने के बाद जो इसमें लम्स हो उन्हें ख़त्म करना है और इसे इसी तरह हिलाते रहना है। तो फ्रेंड्स, मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी ताकि हमारे मिल्क पाउडर में और इसमें लम्स ना हो। जितना आप इसे हिलाओगे उतना ही इसमें अगर छोटी मोटी थोड़ी बहुत लम्स होंगे तो वो भी फूट जाएंगे और आपके दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएगा मिल्क पाउडर। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें मीठे की ज़रूरत नहीं होती है, पहले से ही ऑलरेडी हमारे उसमें मीठा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी। आपको इसे मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे एक मिनट भी ऐसे ही नहीं छोड़ना है, वरना ये नीचे की तरफ चिपक जाता है और आपकी मिठाई ख़राब हो जाएगी। तो आप इसे इसी तरह हिलाते रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारी मिठाई वाली कंडीशन में आ रही है। आपको इसे इस तरह हिलाते रहना है। तो देखिए, यह बिल्कुल डो जैसा तैयार हो जाएगा धीरे धीरे। आपको इसे हिलाने से बिल्कुल बंद नहीं होना है, इसी तरह हिलाते रहना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे इस तरह हिलाती रहूँगी। आप देख सकते हो ये बिल्कुल डो जैसा बनकर तैयार हो चुका है। और आपको अब हमारी मिठाइयों में थोड़ी चेंजिंग भी फील हो रही होगी। यह थोड़ा ग्रीन कलर का बना हुआ है, तो उसका रीज़न यह है कि मैंने ये जो मिल्क पाउडर लिया हुआ है वो इलायची फ्लेवर का है। आप वीडियो पे काफ़ी कमेंट करते हो कि हमारी ग्रीन कलर की बनती है, हमारी चॉकलेटी कलर की बनती है। तो उसका रीज़न यही होता है कि जो ये मिल्क पाउडर आता है वो अलग अलग फ्लेवर में आता है। यह ग्रीन भी आता है और इसका फ्लेवर चॉकलेटी भी आता है, स्ट्रॉबेरी भी आता है और एक वनीला भी आता है। तो ये चार तरह के जो फ्लेवर आते हैं। तो आज मैंने जो लिया हुआ है फ्लेवर वो इलायची फ्लेवर है, जिससे कि आप देख रहे हो हमारी मिठाइयाँ ग्रीन कलर की बनेंगी। आज जो हमने अभी हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है वो ग्रीन है। यह बिल्कुल मिल्क केक जैसा बनकर तैयार होगा। इसके में से आप देख सकते हो इसमें दाना दाना अलग अलग दिखाई दे रहा है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसे नज़दीक से भी दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा मिल्क पाउडर और दूध बिल्कुल मिठाई जैसी कंडीशन में तैयार हो चुका है। और कमाल की बात तो यह है, ये बिल्कुल मिल्क केक जैसा बना है। देखिए, इसमें बिल्कुल दाना दाना अलग अलग है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा डो बिल्कुल मिठाई की कंडीशन में बनकर तैयार हो चुका है। और आज मैंने इलायची फ्लेवर बनाया है स्पेशल, ये मैंने आपके कमेंट के ऊपर लिए बनाया है, जो कि आप कमेंट कर रहे थे कि हमारा ग्रीन बन रहा है, हमारा वैसा बना। तो इलायची फ्लेवर अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका ग्रीन ही बनेगा, लेकिन वो है मिल्क केक ही बनकर तैयार होगा। आप देख सकती हैं इसमें बिल्कुल दाना दाना अलग अलग हो चुका है। देखिए, मैं आपको इनमें से एक थोड़ा सा लेकर भी दिखा देती हूँ। देखिए, अभी यह थोड़ा गर्म है, यह बिल्कुल अलग अलग दाना सा बनकर तैयार हुआ है। और अब हम इसे एक ट्रे में निकाल लेते हैं, क्योंकि यह ठंडा होने के बाद ही इसकी मिठाइयाँ कटकर तैयार होंगी। मैंने एक ट्रे ले ली है और इसके चारों तरफ घी फैला लिया है। देखिए, तो मैं ब्रश से इसे चारों तरफ से लगा लेती हूँ। और अब इस ट्रे में मैं अपने इसी पेस्ट को निकाल के रख दूँगी। यह ग्रीन डोडा बर्फी बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है, 10 से 15 मिनट में आपकी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल दाना दाना अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसे अपने इसी चम्मच से इसे दबा दबा कर बिल्कुल मिठाई जैसी कंडीशन में बिल्कुल ऊपर से प्लान कर देते हैं।
तो फ्रेंड्स मैंने आपके सामने बिल्कुल बनाकर दिखाई है। बहुत से की मेरे पास कमेंट आई हुई है कि हमारे मिठाई में, हमारे मिल्क पाउडर में यह है दाना दाना नहीं बना। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप इसी तरीके से बनाइएगा, आपकी मिल्क पाउडर में भी 100% इसी प्रकार का दाना बनेगा। तो देखिए मैंने यह बिल्कुल ऊपर से प्लान कर दी है और अब हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारी मिठाई जम चुकी है। मैंने इसे 15 से 20 मिनट तक के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसे टेढ़ी करके इसमें से अपनी मिठाई निकाल लेंगे। देखिए यह ऊपर से भी कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी जमी हुई है, यह बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर आया। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम इसे चाकू की सहायता से कट कर लेंगे। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हो, यह बहुत ही सॉफ्टली कट रही है। जो फ्रेंड्स इसमें एक्स्ट्रा पीसेस है वो मैंने निकाल दिए हैं। अब हम इसकी सजावट के लिए इस पर सिल्वर फॉइल लगा लेंगे। तो देखिए मैं इस पर ये सिल्वर फॉइल लगा लेती हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप इसे यूज़ कीजिएगा, वरना आप इस पर ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इस पर सिल्वर फॉइल लगा लिया है। अब आप इसे इसकी कटिंग कर लीजिएगा, आप अपनी जो भी शेप इसमें काटना चाहो उसी शेप में इसे काट सकते हो। तो मैं इसे चकोटी काट रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग कर ली है और मैंने इसकी ये चकोटी शेप दी है। आप देख सकते हो ये अंदर से भी कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी दिख रही है। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। आप इसे एक बार खाओगे तो इसे बार बार आपका बनाने को मन करेगा और बार बार खाने को मन करेगा। तो आइए अब हम एक प्लेट में इसे सर्व करते हैं। तो देखिए मैंने ये प्लेट ली हुई है, तो देखिए इसी के अंदर मैं इसे सर्व करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी ये मिठाइयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। यह जितने दिखने में अच्छी है उतनी खाने में भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इसे एक बार बनाओगे तो आप बार बार बनाकर खाओगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।